जय हिंद जय भारत दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले मैं अपनी मातृभूमि को सत सत नमन करता हूँ और बढ़ता हूँ आज की वीडियो की ओर। दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो है वो है क्लास 10 से और सब्जेक्ट है मैथ और ये है NCERT प्रकाशन से और ये फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। क्वेश्चन जो है फर्स्ट दोस्तों इसमें आपको दो क्वेश्चन बताएंगे हम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। दोस्तों ये क्वेश्चन जो आपके सामने है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले मैट्रिक परीक्षा के लिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 135 और 225 का HCF ज्ञात करें। दोस्तों हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है और इसका HCF ज्ञात करना है। दोस्तों आप HCF का जानते हुएगा, HCF को हिंदी में हम बोलते हैं मौसौ अर्थात महत्तम समावर्तक और HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हिंदी में इसको बोलते हैं मौसौ, ये शॉर्ट में बोलते हैं मौसौ और लॉन्ग में इसको बोलते हैं महत्तम समावर्तक। तो दोस्तों ये हम बताए हैं आपको HCF का फुल फॉर्म और इसका हिंदी में क्या नाम है। बढ़ते हैं हम सवाल की ओर। अब दोस्तों इसे हम मिटा रहे हैं, आप इसे नोट कर लीजिएगा। दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर मौसा ज्ञात करने के लिए हमें पहले देखना होता है कि दोनों संख्या में बड़ा कौन है। ये देखिए ये 135 है और ये है 225 अर्थात ये बड़ा है। तो क्या करते हैं हम, बड़ा को पहले लिखते हैं अर्थात 225 यहाँ लिखेंगे 225 और यहाँ लिखेंगे 135। हमको 135 से इसमें भाग देना है। अगर इससे हम दो मरतबा लगाएंगे तो हो जाएगा 270। क्या हो जाएगा 270। अतः यहाँ पे दो मरतबा अर्थात दो बार यहाँ नहीं लगने वाला है, हम एक से ही गुना करेंगे और जो बचता है उसे यहाँ लिखना पड़ता है। एक से गुना किए 135 आएगा। क्या कीजिए 225 में से आप साइड से यानी रो ऑफ वर्क करके 135 घटाइए 0 और 12 में से 3 जाएगा 9 यानी 90 बचेगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ 90 जोड़ के रूप में लिखेंगे। ठीक है अब क्या करेंगे, अब इसमें करना क्या है ये देखिए 135 जो है ये पहले लिखिए आप 135 इक्वल टू अब 90 लेना है 90 तो 90 में हम 2 से गुना करेंगे तो आएगा 180। 2 नहीं लेगा एक ही लेगा, बच जाए कितना बचेगा 45। अब क्या करेंगे ये 90 यहाँ लिखेंगे और इसमें हम क्या करेंगे इस 45 से भाग दिया जाता है तो 45 को हम दो बार पढ़ते हैं 45 दूना 90 दो बार में बचता क्या है 0 अर्थात यहाँ 0 आ गया। देखिए यहाँ पे 0 जब आ जाए तो आपका जो है HCF निकल चुका है और आपका HCF है 45। जी हाँ आपका HCF है 45 और लिखेंगे अतः 135 और 225 का HCF बराबर 45। दोस्तों यही है आपका आंसर करेक्ट। दोस्तों एक और सवाल हम बताते हैं आपको। दोस्तों आगे हम इसी का वास्तविक संख्याएं का ही एक और क्वेश्चन नोट किए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी बराबर मैट्रिक परीक्षा में पूछता है। दोस्तों इसमें कहा जा रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 870 और 225 का HCF ज्ञात करें। दोस्तों इसमें करना क्या है, हमें पहले देखना है बड़ा कौन है और छोटा कौन है।
तो बड़ा आप देख रहे हैं 870 है और छोटा है 225। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले बड़ी संख्या को 870 बराबर, छोटी संख्या लिखेंगे यहाँ, छोटी संख्या से यहाँ पे भाग दिया जाता है, छोटी संख्या से हम भाग देंगे। और भाग जो देंगे तो देख रहे हैं तीन मरतबे लगेगा, चार मरतबे से ज़्यादा हो जाएगा, तो तीन मरतबा लगाएंगे इसमें और बच जाएगा कितना, तो हम पहले तीन से गुना करना होगा। ये रफ काम आप साइड में कर सकते हैं, जैसे 225 का तीन दफ़ा गुना कीजिएगा आप तो कितना आएगा, 225 का आप तीन दफ़ा गुना कीजिए तो आएगा 5 × 15 और 3 × 6 = 7 और 3 × 6 यानी 675। और आप क्या करना है, आपको 870 में से 675 घटा लेना है, ये सारा रफ काम ही होगा। घटाइए इसको, 5 बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पे, 195। अब क्या करना होता है, ये शेष होता है ना, तो अब क्या करना है, ये देना है यहाँ पे ये। अब 225 बराबर, अब शेष जो है उससे भाग देना है 195। अब 195 में, 195 से आप भाग दीजिएगा, सॉरी 195 से आप भाग दीजिएगा तो क्या मरतबा लाएगा, एक ही मरतबा लाएगा, एक। क्या कीजिए, 225 में से 195 घटाइए, 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 9 गया 3 यानी 30 बचेगा। क्या बचेगा यहाँ पे, 30 लिखिए। अब क्या कीजिए, 195 यहाँ लिखिए, 195 में आपको 30 से भाग देना है, तो 30 से जो भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 बार में भाग दीजिएगा 6 दफ़ा तो 36 × 18 यानी 180 आएगा। अब क्या कीजिए, 6 से भाग दे दीजिए तो 36 × 18 यानी 180 आ रहा है 95 है, तो बचेगा कितना, 15। अब क्या कीजिएगा, अब लिखिए यहाँ पे 30 और इसमें आपको देना है 15 से भाग, तो 15 से जो भाग देंगे 30 में तो दो बार में आ जाएगा, अब बचेगा क्या, 0। अब ये 0 आ गया अर्थात हमारा जो एच सी एफ निकल चुका है, और यहाँ पे इसलिए लिखेंगे, इसलिए एच सी एफ बराबर, ये 15 से कटा है इसलिए इसका एच सी एफ है 15 और आंसर लिख देंगे। दोस्तों ये सवाल भी पूर्ण रूप से बन चुका है और हमें यह जानकर बहुत खुशी होगा ये सवाल आपको अच्छी तरह समझ में आया है। तो दोस्तों ये दोनों प्रश्न जो है आने वाले मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छी तरह समझें। ये प्रश्न संभावना है कि इस बार बोर्ड परीक्षा में अवश्य आएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो के नीचे आपको लाल वाला बटन दिखाई देता होगा, उसे आप दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैट्रिक परीक्षा की बेहतर तरीके से तैयारी कीजिए। मिलते हैं आगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।